Hello students, good afternoon. पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रैक्टिकल बताया था हमने, ठीक है. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो सेकंड यूनिट में दो टॉपिक छूटा हुआ था, जिसमें था कौन से सेकंड यूनिट के दो टॉपिक जो पढ़ाए गए थे वो कौन कौन से थे? इंटरपर्सनल, हाँ, वर्ड एंड देयर फंक्शंस पढ़ा था आप लोगों ने, और क्या पढ़ा था, और क्या बचा था? सिलेबस में क्या बचा था? लिसनिंग, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग आपका बचा हुआ है ना उसमें? हाँ, तो वो तो कोई बता ही नहीं रहा ना. तुम लोग क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, कुछ समझ ही भी नहीं आता हमको. इतने देर से पूछ रहे हैं क्या बचा है, क्या बचा है, तो कोई कुछ नहीं बता पा रहा है. आज हम लोग करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में और खासकर इफेक्टिव पर्सनल, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह लीजिए आप, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह लीजिए, तो उसके लिए बहुत सारी बातों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें इफेक्टिव लिसनिंग स्किल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लिसनिंग स्किल का क्या मतलब है कि आप जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसको आप सुन सकें, है ना. सुन सकें का मतलब कि आप सुने और उसको आप समझें, उसको आप रिसीव करें प्रॉपरली, जिस पर्पस के लिए जो चीज आपको कम्युनिकेट की जा रही है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए. तो इसके लिए इफेक्टिव लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है. लिसनिंग भी एक तरीके की स्किल होती है, सभी लोगों में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं. और ये इफेक्टिव लिसनिंग केवल जो है रिसीवर के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, ये कम्युनिकेटर के लिए भी होना बहुत जरूरी है. सपोज दैट इस टाइम पे हम आपके लिए कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब ऐसे कंडीशन में मेरे अंदर भी इफेक्टिव लिसनिंग की स्किल का होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हम रिसीवर जो कुछ भी कह रहा है उनकी बातों को हम सुन नहीं सकते हैं, सुन के समझ नहीं सकते हैं, तब तक हमें क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए ये हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है. मान लीजिए एक क्राउड में हम जा रहे हैं और क्राउड में जाने के बाद गवर्नमेंट की जो भी इस टाइम पे पैंडेमिक के लिए जो भी गाइडलाइन वगैरह आई है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं, वो हमें उस क्राउड को जाकर के वहां पे कम्युनिकेट करना है, ठीक है. और मैं वहां पे कम्युनिकेटर हूँ. अब ऐसी कंडीशन में हम कम्युनिकेटर हैं और हमें वहां पे जाकर के कम्युनिकेट करना है, हमने कम्युनिकेट कर दिया, अब सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, वो तो जो भी सुना होगा वो वही बोलेगा और वही वो बताएगा. तो अगर मेरे अंदर लिसनिंग की स्किल नहीं होगी तो हम उन चीजों को सुन भी नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, और जब तक हम सुन के समझ नहीं पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो भी हमने कम्युनिकेट किया है इसमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है. क्यों? क्योंकि एक जो पढ़ा लिखा क्लास है उसको अगर उस गाइडलाइन को आपको समझाना है और बताना है तो जाहिर सी बात है कि उसको हम दूसरे तरीके से बताएंगे. एक मान लीजिए कि रूरल एरिया में जाना है जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोला जाता है, अगर वहां जाकर के हमें चीजों को समझानी बतानी है तो हम दूसरे तरीके से समझाएंगे बताएंगे. तो ये जो दूसरा तरीका जो हम अपनाते हैं ये किस आधार पर अपनाते हैं? ये हम इसी आधार पर अपनाते हैं क्योंकि सामने वाला जो है वहां पे क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं और किस तरीके से नजर आ रही हैं, या जो रिसीवर हैं हमारे सामने
वो किस तरीके से उन सभी चीजों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम अपना कम्युनिकेशन का पैटर्न चेंज भी कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लिसनिंग में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है या जो रिसीव करते समय जो कुछ भी हम सुन रहे होते हैं, वो जो होता है वो कई बार उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। कि अब मान लीजिए इस टाइम पे आपकी क्लास चल रही है, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, इस सुनने में कुछ बाधा उत्पन्न हो, किस तरीके की बाधा हो सकती है, उसी को हम लिसनिंग बैरियर कह रहे हैं हम। तो वो बाधाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, कुछ पर्सनल हो सकती हैं, एनवायरमेंटल हो सकती हैं, टेक्निकल हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, या कुछ कंटेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण लिसनिंग में जो है बैरियर आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ बैरियर्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है जो कि इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, रिलायबल इफेक्टिव लिसनिंग के लिए इसको जो है बताया गया है कि ये जो है आपका इफेक्टिव लिसनिंग को जो है कहीं ना कहीं बाधित कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि सुनने की जो क्षमता होती है या सुनने की जो कला होती है वो वहां पे रुक सी जाती है। तो द फर्स्ट बैरियर इज कंटेंट बैरियर्स, लिखिए कंटेंट बैरियर्स। ठीक है, अब ये कंटेंट बैरियर क्या होता है? सबसे पहली बात, कई बार ऐसा होता है कि जो भी कंटेंट आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है वो कंटेंट ही ऐसा होता है कि उस कंटेंट के कारण बैरियर होने लगता है, यानी कि आपको जो कम्युनिकेट किया जा रहा है वो, और जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, जो भी उसका जो मटेरियल है, उसके कारण ही लिसनिंग जो है उसमें बैरियर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, लिसनर नोइंग टू मच, लिसनर नोइंग टू मच। श्रोता का अत्यधिक ज्ञान, श्रोता का अत्यधिक ज्ञान, ठीक है। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि जो ऑडियंस होती है वो कई बार ये समझती है कि अरे हमें तो सब कुछ मालूम है इसके बारे में, है ना, हम जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, सामने वाला बस फालतू की बात कर रहा है, बकवास कर रहा है ना। ऐसा हमें जब लगने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले की बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, हम सामने वाले की बात पर कभी, फिर उस टाइम पर हम उसकी बात को सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिस टॉपिक पे अगला व्यक्ति हमें कुछ कम्युनिकेट कर रहा है उस टॉपिक पे तो हमें इससे ज्यादा नॉलेज है। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाएगी तो सामने वाला जो भी कम्युनिकेट कर रहा होगा हम उसको नहीं सुनेंगे। कोई एग्जाम्पल बताइए इसका स्टूडेंट, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। फॉर एग्जाम्पल आज से, हाँ हाँ क्यों? क्योंकि हमें ही हम तो डॉक्टर तो है नहीं, है ना, ना हम हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 1 साल पहले जो भी गाइडलाइन, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस टीवी पर बताए जाते थे, हम मतलब टीवी पे रिमोट लेकर के बैठते थे, एक के बाद एक चैनल चेंज करते थे कि इस चैनल पे उस चैनल पे, यहाँ तक कि एक ही न्यूज़ को हम बार बार सुनते थे, बार बार देखते थे, ठीक है। और आज के डेट में जहां मोबाइल पे बताना शुरू कर देता है कि जो है कि नया साल कोरोना की वैक्सीन की उम्मीद की किरण लेकर के आया, हम इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार ये तो बकवास, एकदम दिमाग खराब कर दिया है, रट गया है ये तो बिल्कुल, है ना।
और पहले क्या था, यही इंफॉर्मेशन क्या करते थे हम मोबाइल में बार बार सुनने के लिए, हम अगर किसी को फोन लगाते थे और उसमें हेल्पलाइन नंबर बोलता था तो हम उस व्यक्ति को दोबारा फोन लगाते थे। क्यों? क्योंकि हमको वो हेल्पलाइन नंबर सुनना है पूरी तरीके से। आज हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है, कह रहे भाई वही कोरोना के बारे में बता रहा है और क्या, वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही मास्क, वही सैनिटाइजर, वही वैक्सीन की बात कर रहा है, जबकि अब तो स्ट्रेन आ गया है। हम सभी बैठ करके बड़ी ही आम चर्चा करते हैं कि अरे भाई ये कोरोना है ही नहीं, अब तो स्ट्रेन आ गया है, ना तो कोरोना की मेडिसिन है, ना तो कोरोना की वैक्सीन है, वो तो ये तो कोरोना की वैक्सीन है, जबकि इस टाइम में तो स्ट्रेन चल रहा है ही नहीं है वो बीमारी। अरे भाई टीका मत लगवाना, टीका लगवाने से कोई फायदा नहीं है, टीका लगवाने के बाद भी लोगों को बीमारी हो रही है। अरे टीका लगवाते ही तो हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये समझ लिए कि हमको बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका है, हमको सब पता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टीवी में बता रहा है या नया कुछ बताया जा रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नया बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत सारे नई नई चीजें आती रहती हैं, और नई चीजों का आना ये बट नेचुरल है ना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कि ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन आज अगर दी जा रही है तो आज से 1 महीने के बाद अगर वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। ठीक है, जबकि ऐसा ही होता है, लेकिन जो जिनको ज्यादा आ जाता है वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मालूम है, फालतू में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो वहां पर लिसनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो इंटरप्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है। दूसरा है, लिखिए, लिसनर नोइंग टू लिटिल, श्रोता का अत्यंत कम ज्ञान, श्रोता का अत्यंत कम ज्ञान। ठीक है, अब वही सेम ले लीजिए आप। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा टीवी में कुछ समाचार दिखा रहा है, अब मेरे यहाँ आपको हम बता दें कि अभी 3-4 दिन पहले एक आए थे, वो लेडी मुझसे पूछ रही है कि किस बीमारी से ये लोग मर रहे हैं, इसमें क्या दिखा रहा है, ये क्यों मास्क लगाने के लिए इतना, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब बताइए, अब हम उसकी शक्ल देख रहे हैं। हमने कहा सारी कहानी खत्म हो गई, इनको ये भी नहीं मालूम। तो ऐसी कंडीशन में भी लिस्टिंग बाधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको सामने क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं जब होता है हमें, तो भी हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है, तो हम वहां पर सुनने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, तब आप ये समझ पा रही होंगी कि इफेक्टिव लिसनिंग के क्या क्या बैरियर्स हैं, या कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं, तब तो आप ये सारी चीजें सुन रही हैं। अगर किसी बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम किसी को बैठा के हम इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर्स अगर पढ़ाने लगे तो क्या होगा, उसको कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा उसको, और जब इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो लिसनिंग वहां पर इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, हाँ इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लिसनर डज नॉट इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट ना हो, है ना, लिख लो, लिसनर डज नॉट इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, श्रोता को व्याख्यान में कोई रुचि ना हो। ठीक है, फटाफट लिखना बेटा, लिसनर हियर्ड इट ऑल बिफोर, श्रोता ने यह सब कुछ पहले भी सुना हो, श्रोता ने सब कुछ पहले भी सुना हो। कंटेंट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, विषय वस्तु अत्यंत ही कठिन हो। कंटेंट इज रिपीटियस, विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंटेंट बैरियर। ठीक है, यानी कि कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या बैरियर्स हैं, ये उसकी बात हो गई। नेक्स्ट है स्पीकर बैरियर्स, स्पीकर बैरियर्स,
वक्ता के जो बैरियर्स हैं, अवरोधक हैं, वक्ता वाले जो अवरोधक हैं, यानी कि जो बोल रहा है उसके तरफ से क्या क्या बैरियर हो सकता है। अभी तक तो था कि जो कंटेंट बोला जा रहा है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बैरियर का काम करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि स्पीकर बैरियर, यानी कि कम्युनिकेटर बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं। संप्रेषक के द्वारा जो अवरोधक हैं, यानी कि संप्रेषक के एस्पेक्ट का जो बैरियर है वो कौन कौन से हैं, देखिए, द स्पीकर एक्सेंट्स, वक्ता के वाणी, ऑर्गेनाइजेशन संस्था, क्लैरिटी स्पष्टता, स्पीड गति, वॉल्यूम आवाज, टोन आवाज का टोन, इमोशंस संवेग, एंड अपीयरेंस अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। और प्रस्तुतिकरण संदेश की व्याख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। स्पीकर बैरियर में ये सारी चीजें हैं, यानी कि स्पीकर का एक्सेंट कैसा है। एक्सेंट का मतलब कि जो व्यक्ति जिस कल्चर का होता है उसका उसी तरीके का टंग या एक्सेंट हो जाता है, यानी कि हम जिस जहाँ जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, या हमारी जो मदर टंग होती है, या कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है हमें, वो एसेंट बोला जाता है, वो एक चीज। दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि हम किस संस्था से हैं, ये भी बड़ा मायने रखता है कि हम कौन। अब कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से आके हेल्थ इश्यूज को अगर कम्युनिकेट करेगा तो वही लिसनिंग बैरियर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ही फर्क है। फिर है क्लैरिटी, यानी कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें कितनी स्पष्टता है। गति, यानी बहुत अधिक स्पीड में हम किसी चीज को किसी को समझा ले जाएं, या बहुत ही धीमी स्पीड में समझाएं तो भी दिक्कत होती है। वॉल्यूम, बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत चीख चीख के बोल रहे हैं, बहुत धीमा बोल रहे हैं। टोन, कि हमारा टोन किस तरीके का है ना। हमारे संवेग, कई बार हमारे संवेग भी बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित कर देते हैं कि हम किसी खास इमोशनल स्टेट में हैं, और वो इमोशनल स्टेट हमारा जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ में अगर कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, तो भी हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें लिसनिंग बैरियर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एटीट्यूड्स टुवर्ड स्पीकर, श्रोता के प्रति अभिवृत्ति, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो भी सॉरी श्रोता नहीं, वक्ता के प्रति अभिवृत्ति, वक्ता के प्रति अभिव्यक्ति। अब यानी कि सामने जो भी व्यक्ति मौजूद है जो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके लिए हमारे मन में किस तरीके की एटीट्यूड है। अब सामने वाले के मन में बहुत अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो भी जो कुछ भी बोलेगा उसकी बात को सुनेंगे हम, और अगर सामने वाले के मन के लिए हमारे मन में कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है तो हम उसकी बात को ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, जो कैबिनेट या जो प्रेसिडेंट होता है, अगर उसको आप फेवर कर रहे होते हैं तो जब उस वो जब कुछ बोलता है तो आप उसकी बात को सुनते हैं, जब आप उसको फेवर नहीं करते हैं तो उसकी बात को नहीं सुनते हैं, है ना। क्योंकि आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं किसी के लिए। तो सामने वाले के लिए अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप है, तब वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उसकी बात को सुनते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तीसरा है यहाँ पे इन्वायरमेंटल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर, पर्यावरणीय अवरोधक, पर्यावरणीय अवरोधक। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है लिख लीजिए। द रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान,
द रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान, द सिटिंग अनकंफर्टेबल, बैठने की अवस्था या व्यवस्था आरामदायक न हो, लाइटनिंग टू ब्राइट और टू डिम, लाइटिंग टू ब्राइट और टू डिम, प्रकाश बहुत कम या बहुत अधिक हो, बैड वेंटिलेशन, खराब खराब वातानुकूलन, नॉइस शोर, शोर, लास्ट है स्मेल गंध। ठीक है, अब मान लीजिए आप सपोज दैट आप क्लास कर रहे हैं और उस दौरान कमरे का टेम्परेचर बहुत अधिक है, पता लगता है कि 46 डिग्री टेम्परेचर है या -2 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होता है, हम ठंड से ही परेशान है, हमारा सारा फोकस तो ठंडी या गर्मी पर लगा हुआ है, सामने जो कुछ भी कम्युनिकेट किया जा रहा है उस तरफ हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या फिर सिटिंग चेयर जो है हमारी वो अनकंफर्टेबल है, अब बैठने की जो व्यवस्था है वही पूरे समय गड़बड़ है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं या स्लिप किए जा रहे हैं, तब भी क्या होता है कि हम फिर लिसनिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारा पूरा फोकस जो है वो चेयर पे ही लगा रहता है। ठीक है, इसके अलावा लाइटिंग टू ब्राइट, बहुत अधिक तेज लाइट होती है या बहुत धीमी लाइट हो तो भी ऐसा होता है, बैड वेंटिलेशन यानी कि रूम में वेंटिलेशन ना हो, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रहा हो तो हमें पता लगता है कि चक्कर सा ही आ रहा है, शोर बहुत अधिक हो रहा है पता लगता है एनवायरमेंट में, या किसी तरीके की स्मेल आ रही है साइड में तो भी ये दिक्कत आती है। ठीक है, ये हो गया आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अलावा जो फैक्टर है नेक्स्ट है वो है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या है लिख लीजिए फटाफट, लिखिए मनोवैज्ञानिक अवरोधक, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक अवरोधक, जिसमें पहला है एंगर, क्रोध, ओन एंजाइटी, स्वयं की दुश्चिंता, एंगर, ओन एंजाइटी, इसके अलावा नीड, आवश्यकता। ठीक है, यानी कि ये जो बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर जो है ये कम्युनिकेटर या फिर जो लिसनर है दोनों की तरफ का हो सकता है, बेसिकली इफेक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो लिसनर के तरफ का हम देखते हैं कि अगर लिसनर में किसी तरीके का एंगर है या कोई एंजाइटी है तो भी जो लिसनिंग हो रही होती है वो वहां पर बाधित हो जाती है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, शरीर शारीरिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स में जाहिर सी बात है कि ये फिजिकल की बात कर रहा है या फिजियोलॉजिकल की बात कर रहा है, कौन कौन से हैं ये देखिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में लिखिए हेडेक। कभी कभी लिसनर जो होता है इस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का शिकार होता है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, सिरदर्द, हियरिंग प्रॉब्लम, श्रवण संबंधी समस्या, पेन और इलनेस, दर्द या कोई बीमारी,
पुअर आई साइट, खराब दूर, खराब दृष्टि, ठीक है, यानी कि जो लिसनर है उसको हो सकता है सिर में दर्द हो। अब आप क्लास करने तो बैठे हैं मैडम की, लेकिन सिर में बहुत तेज दर्द है, तो लिसनिंग यहाँ पर बाधित हो जाएगी। हियरिंग प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ सुनने संबंधित किसी को कोई समस्या हो सकती है, किसी प्रकार का शरीर में कोई दर्द या कोई बीमारी हो सकती है, या आंख में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आईसाइट का भी प्रॉब्लम होता है, तो सामने चीजें बहुत प्रॉपर नजर नहीं आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट आप लिखिए परसेप्चुअल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स, प्रत्यक्षात्मक अवरोधक, प्रत्यक्षात्मक अवरोधक इसमें है, लिखिए। क्या होता है कि इसमें कौन सा परसेप्चुअल बैरियर को थोड़ा सा समझ लीजिए कि परसेप्चुअल बैरियर का मतलब क्या है। यहाँ पे परसेप्चुअल बैरियर का मतलब यहाँ पर यह है कि कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर और लिसनर दोनों ही सेम सिचुएशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, है ना, यानी कि मुद्दा एक ही है, लेकिन लेकिन उस पर सोचने का, विचारने का या उसको परसीव करने का जो एक तरीके से डायमेंशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जब स्पीकर कुछ कम्युनिकेट करता है तो लिसनर जो है वहां पे उन बातों को ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कब होता है और या कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, आपका भी मेन फोकस स्टडी है, मेरा भी मेन फोकस स्टडी है, हम भी उसी पर ध्यान दे रहे हैं, आप भी उसी पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यू होगा या आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो हमारे पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर आपको कुछ बोलेंगे उसी पॉइंट को लेकर के, तो वहां पे लिसनिंग बैरियर आ जाता है। या फिर जैसे कि पेरेंट एंड चाइल्ड, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं चाइल्ड और पेरेंट में, वो सेम पॉइंट होता है बट सोचने का विचारने का जो तरीका होता है वह फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि किसी चीज को, मान लीजिए कि जैसे इस टाइम पे लव मैरिज है, लव मैरिज को लेकर के जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा इस पे। हो सकता है उनको लगता हो कि नहीं ये ठीक नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव उसी पे नहीं ये सही है या इसमें दिक्कत क्या है, हो सकता है ऐसा। तो पॉइंट तो एक ही है बट वहां पे सोचने का तरीका फर्क हो जाता है, जिसके कारण लिसनिंग जो है वो बाधित होने लगती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम एक ही पॉइंट पे कुछ और हम उसको किसी दूसरे तरीके से समझते हैं, आप दूसरे तरीके से समझते हैं, तो हम जैसे समझते हैं हम आपको वैसे कम्युनिकेट करेंगे, और आप जैसे उस चीज को समझ रहे हैं आप उसको उसी रूप में सुनना पसंद करेंगे, है ना। तो उस समय जब हम कुछ बोलेंगे तो आपको बात नहीं समझ में आएगी। अगर हम आपसे बोल रहे, मान लीजिए कि अगर पापा कहते हैं कि रात के 9 बजे के बाद घूमने की कोई जरूरत नहीं है या रात के 9 बजे आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो आपको जब पापा ये बात बोलेंगे तो पापा के इस बात को आप हरगिज नहीं सुनेंगे, है ना। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होने के कारण भी लिसनिंग जो है वहां पर बैरियर आ जाता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चाइल्ड एटीट्यूड अनएक्सपेक्टेड, अभिभावक और बच्चे, अप्रत्याशित अभिवृत्ति दूसरा था, तीसरा है सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंसेस, अभिभावक तथा बच्चे, अप्रत्याशित अभिवृत्ति, तीसरा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंसेस, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, चौथा एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट, भिन्न प्रत्याशाएं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स,
कई बार ऐसा होता है कि जो लिसनर होता है उसके कुछ पर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं, उनके कारण भी लिसनिंग बाधित होने लगता है, यानी कि व्यक्तिगत अवरोधक। फॉर एग्जाम्पल, प्री ऑक्यूपाइड विथ ओन प्रॉब्लम्स, पहले से ही अपनी समस्याओं से घिरे होना, पहले से ही अपनी समस्याओं से घिरे होना। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट ओन रिस्पॉन्स, थिंकिंग अबाउट ओन रिस्पॉन्स विदाउट हियरिंग स्पीकर, वक्ता की बात को सुने बिना अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचना। क्या होता है, सामने वाला कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन वो बोला ही नहीं कि आप एक दो तीन चार लाइनों को सुनने के बाद ही अपना रिएक्शन सोचने लगते हैं कि अच्छा ये इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, ये यही कहेंगे, तो अब हमें क्या करना है, हम उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बात को पूरी सुने बिना हम ये विचार करने लगते हैं कि सामने वाले को हमें क्या रिएक्शन देना है। ठीक है, नेक्स्ट है लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्ट, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वहां पर इंटरप्ट करने के लिए, यानी कि हम वहां पे बाधा उत्पन्न करने के अवसर को देखते हैं, बाधा उत्पन्न करने वाले अवसरों को देखना, यानी हम पहले से ही बाधा उत्पन्न करने के सोच के बैठे हुए हैं कि इनको बीच में बोलना जरूर है, बहुत बोलती है, इनको आज बोलने नहीं देना है। ठीक है, इस तरीके की थिंकिंग लेके बैठना। लास्ट है कल्चरल बैरियर्स, ठीक है, कल्चरल बैरियर में क्या होता है, कल्चरल बैरियर में ये डिफरेंस आ जाता है कि कल्चरल बैकग्राउंड के कारण, यानी कि हम जब डिफरेंट कल्चर के होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा लैंग्वेज, हमारे नीड, हमारे कम्युनिकेशन का पैटर्न, वो सब कुछ फर्क होने लगता है, और ऐसी कंडीशन में जब कम्युनिकेशन होता है तो उस कल्चर के कारण भी हम चीजों को उतना कायदे से नहीं सुन पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं कम्युनिकेशन में, या जो भी प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है वो है, ये बहुत ही उनके कल्चर के कारण जो है वो फर्क हो जाता है, इस वजह से वहां पर भी लिसनिंग बाधित होने लगती है। ठीक है।